हेलो किड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट ग्रामर। ये हमारी बुक है। अवर बुक इज़ विकास गोल्डन ग्रामर बुक 7। ये हमारी बुक का नाम है। ये आपको स्कूल से ले लेनी है। इसमें हमको करना है अपना चैप्टर नंबर 1। अवर चैप्टर नेम इज़ काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अवर चैप्टर नेम इज़ काइंड ऑफ सेंटेंसेज। ये एक तरह से रिकैप, आप पहले भी ये सब कर चुके हो छोटी क्लासों में। नाउ सी 1। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप का वर्ड्स होता है दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं। अ सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सेकेंड, सेंटेंस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। एसर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कितने होते हैं हमारे सेंटेंस के टाइप? 4 टाइप्स होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 3, मोस्ट सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। मोस्ट सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अ नेगेटिव सेंटेंस हैज़ वर्ड्स सच एज नो, नॉट, नन, नथिंग, नेवर एक्सेट्रा। एक नेगेटिव सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं। नेगेटिव का मतलब ये होता है नहीं। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? नॉट, नन, नथिंग, नेवर एक्सेट्रा। ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव होते हैं। अ नेगेटिव सेंटेंस हैज वर्ड्स सच एज नो, नॉट, नन, नथिंग, नेवर एक्सेट्रा। काइंड ऑफ सेंटेंसेस इसमें बताएं हमको। फर्स्ट, एसर्टिव सेंटेंसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। दे ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। वो हमें एंड्स किससे होता है? फुल स्टॉप से। अफर्मेटिव फर्स्ट वाला दिया आपको, टीना वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, इसको नेगेटिव, टीना वॉज नॉट स्टडिंग। टीना स्टडी नहीं करती थी। टीना वॉज नॉट स्टडिंग। सेकेंड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया है। गिव इंस्ट्रक्शन, क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। दे ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये भी हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। अफर्मेटिव इसका कैसे बनाएंगे? गो टू बेड राइट नाउ। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसको, गो टू बेड राइट नाउ। नेगेटिव में इसको कैसे करेंगे? डोंट डिसोबे मी। ये नेगेटिव बनाया है, डोंट डिसोबे मी। ये निर्देश दे रहा है, नेगेटिव में भी उसको ऑर्डर दे रहा है। ओके, नाउ सी 3rd, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इंटेरोगेटिव क्या करता है? इंफॉर्मेशन आस्क करता है। दे ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछता है हमेशा, इसलिए इसके एंड में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव, वेयर इज योर स्कूल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क के पीछे वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इज नॉट आगे लगाया है वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, इज नॉट लगाया उसके साथ, दैट योर स्कूल। नेगेटिव क्या बना है? इज नॉट दैट योर स्कूल। 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा है 4? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसमें ये क्या एक्सप्रेस करता है? सडन, अचानक, या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको। जब आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। दे ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसके एंड्स में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये जो लाइन करके ये जो डॉट दिए वो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है इसके एंड में। अफर्मेटिव में हाउ बिग योर स्कूल इज, वो बोला तुम्हारा स्कूल कितना बड़ा है, तो वो एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई ना उसको स्कूल देख के, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन कौन से सेंटेंस के पार्ट होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी ये जो इसकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको एक्सरसाइज में अपने आप सेंटेंस फाइंड करके लिखने हैं। फर्स्ट, इसमें कौन सा एसर्टिव सेंटेंस है, कौन सा इम्पेरेटिव है,
कौन सा इंटेरोगेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। ये जो ब्लैंक्स दिए हैं, ये जो सेंटेंस दिए हैं, इसमें से आपको ढूंढकर लिखना है। इसमें नेगेटिव नहीं दिया है, पर नेगेटिव सेंटेंस भी इसके अंदर होंगे। जैसे फर्स्ट ये है, कैंडीज डज नॉट लाइक चॉकलेट, कैंडी डज नॉट लाइक चॉकलेट, तो इसमें नेगेटिव है ना, नॉट है, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ये जो एक्सरसाइज आप देखो, ये क्वेश्चन मार्क है पीछे, वेयर इज द नेहरू साइंस सेंटर, कहाँ पर है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आपको एक्सरसाइज अपने आप नोटबुक में करनी है, नहीं आएगी तो मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, आपको खुद करनी है नोटबुक में। इसमें फाइंड करने ईजी है एकदम से, है ना। जैसे ये व्हाट नॉनसेंस, तो ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट ए स्मार्ट गर्ल यू आर, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, और इससे आगे की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।